पुलिस की टॉप 10 सूची में शामिल एक आरोपी को सागर जिले की खुरई शहरी थाना पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी पुलिस को चकमा देकर पिछले 7 महीने से फरारी काट रहा था। इस मामले में बताया जा रहा है कि पिछले साल की 22 नवंबर को अंबर सौम्या ने आरोपी तनु रावत, अनुज ठाकुर, करण राजपूत और रितेश ठाकुर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाया था, लेकिन घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी रितेश ठाकुर फरार हो गया था। इस आरोपी को पकड़ने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाहा और खुरई एसडीओपी सुमित केरकटा द्वारा टीम तैयार की गई थी। बाद में मुखबिर ने पुलिस को बताया कि आरोपी भोपाल में है। पुलिस ने देर ना करते हुए उसे मौके से धर दबोचा और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। इस मामले में शहरी थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया कि दिनांक 27/11/2022 को खुरई शहर में एक अपराध पंजीकृत हुआ था 323, 324, 2004, 506 जिसमें मेडिकल परीक्षण के बाद जो है 326 धारा का इजाफा किया गया था, जिसमें कुल 5 आरोपी था, जिनकी गिरफ्तारी जिनमें से 4 आरोपी गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी थी। रितेश और राम ठाकुर जो है जो निवासी नारोधा का है घटना दिनांक से फरार था। उक्त आरोपी को पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर टॉप 10 आरोपियों में शामिल किया गया, जिनकी गिरफ्तारी की जाना शेष थी। उक्त आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आरोपी को जेल दाखिल कराया गया। खुरई से योगेंद्र सिंह और सागर टीवी न्यूज। वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी पर्सनलाइज्ड एजुकेशन कमिटमेंट इंश्योर्स दैट ईच स्टूडेंट नेशनली रिकॉग्नाइज्ड करिकुलम स्कूल हैज लैब्स इंक्लूडिंग फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब एंड book library, beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determination, sports, activities and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.